हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। उकलाना में उपायुक्त के आदेशों की धज्जियां उड़ाना सरकारी और निजी बस चालकों को भारी पड़ गया। पेश है रिपोर्ट। उकलाना में डीसी के आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले निजी और सरकारी बस चालकों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी पूरी हो गई है। दरअसल डीसी ने हिसार से टोहाना जाने वाली बसें सूर्यवाला चौक से बाईपास निकलती हैं, जिन पर उपायुक्त ने आदेश जारी किए थे कि सभी बसें उकलाना होकर जाएंगी। लेकिन बावजूद इसके निजी और सरकारी बस चालकों ने नियमों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। आज दिनांक 27/1/2020 को महाप्रबंधक महोदय हिसार ने हमारी ड्यूटी ध्यान लगाई है। सूर्यवाला चौक पर दो बसें हिसार से टोहाना जाती है, वो वाया उकलाना भेजनी है, और जो टोहाना से हिसार जाती है वो भी वाया उकलाना बस स्टैंड पर भेज के। जो बसें आज उकलाना की बजाय बाईपास निकलेगी उन पे क्या कार्रवाई होगी? उनकी हमें महाप्रबंधक महोदय ने रिपोर्ट करने के लिए कहा, हम उनकी रिपोर्ट लिखित रूप में महाप्रबंधक महोदय को देंगे। इसके बाद इस बस चालकों की मनमानी को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया और प्रमुखता से दिखाने के बाद उपायुक्त ने जीएम रोडवेज हिसार को आदेश दिए, जिसके बाद जीएम ने 9 कर्मचारियों की टीम फ्लाइंग के रूप में नियुक्त कर सूर्यवाला चौक पर लगा दी, ताकि जो बसें उकलाना जाने में आनाकानी करें उन पर कार्रवाई हो सके। एक बार फिर हरियाणा न्यूज के खबर का असर हुआ, क्योंकि हरियाणा न्यूज आम लोगों से जुड़ी हुई खबरें उठाता है और यही वजह है कि हरियाणा न्यूज पर खबरें दिखाए जाने के बाद लोगों की परेशानी खत्म करने के लिए अब मनमानी करने वाले बस चालकों पर कानून का डंडा चलाने की तैयारी हो गई है। हरियाणा न्यूज के लिए उकलाना से अनूप कुंडू की रिपोर्ट।